नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को डिस्कस करूंगा, यानी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने जा रहा है, तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास क्या क्या पावर है। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली होती है उसके वो लीडर होते हैं। पहले सारे एमपी उस पार्टी के लीडर, एक किसी एक लीडर को अपना मेन कैंडिडेट मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मानते हैं, और फिर जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे कि अभी 2019 में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को मेजोरिटी मिला था, 303 सीटें मिली थी, तो उनके सारे एमपी मिलके नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना लीडर माना और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चुनते हैं, फिर उनके जो एमपीज हैं वो किसी एक को लीडर मानते हैं और वो जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इस तरीके से जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके वो लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, क्योंकि वो लीडर हैं इसलिए उस गवर्नमेंट के, उस पार्टी के वो चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन का मतलब कि वो सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कब करेगी, क्यों करेगी, इन सब का जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर का कोई भी मिनिस्टर कुछ भी कर रहा हो उस सरकार का, उस सबका जवाबदेही जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, क्योंकि वो चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। दोस्तों, जो हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ कमीशंस के चेयरमैन भी होते हैं, जैसे कि नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जाना जाता था, उसके चेयरमैन होते हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा नेशनल वाटर रिसोर्सेस, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, इन सभी के भी चेयरमैन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। दोस्तों, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर भी है कि वो अपने पार्टी में किस नेता को, किस एमपी को, किस सांसद को वो कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहते हैं, तो उनके पास ये पावर है। वो अपने किसी भी एमपी को कोई सा भी डिपार्टमेंट दे के और उनको मिनिस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने राजनाथ सिंह को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, मींस डिफेंस मिनिस्टर के पद के लिए उनको चुना बनाया। कहने का मतलब है कि उनको उस पद के लिए, उस पोजीशन के लिए उन्होंने चुना। अमित शाह होम मिनिस्टर बने। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर भी है कि वो होम मिनिस्टर को कभी भी डिफेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को कभी भी होम मिनिस्टर बना सकते हैं, यानी कि उनके पोर्टफोलियोज को वो रिशफल करने का पावर हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास है। फ्रेंड्स, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर भी है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी के चीफ, इलेक्शन कमीशन के चीफ, इन सभी को अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे काम क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि इनको नहीं, इनको आप अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर बना सकते हैं। अल्टीमेटली अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ही होंगे, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही, लेकिन उस प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट की हेल्प कर सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर भी है, रिशफलिंग का तो पावर है, पर अगर मान लीजिए कि उनके किसी मिनिस्टर का ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर से अलग होता दिख रहा है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तो वो किसी भी वक्त अपने किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन लेटर मांग सकते हैं कि जी आप रिजाइन करिए, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उनके पास ये पावर है कि वो अपने किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम रिजाइन दिलवा सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस गवर्नमेंट का लीडर है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसका वो लीडर है, तो अगर किसी भी वजह से प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो उनके रेजिग्नेशन के साथ ही वो सरकार गिर जाती है। कहने का मतलब वो कोलैप्स हो जाती है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, फिर इसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाती है। इसी एक प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने के बाद फिर सारी सरकार ही गिर जाती है, तो जितने भी मिनिस्टर हैं फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो उनके एक और दोस्तों, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बीच के एक चैनल है। अगर कोई से भी मिनिस्टर जो है अगर प्रेसिडेंट से कुछ कहना चाहते हैं
तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही जाएंगे, यानी कि अगर डिफेंस मिनिस्टर को कुछ प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से बात करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही बात करेंगे प्रेसिडेंट से। तो वो एक चैनल का काम करते हैं बिटवीन दी वेरियस एमपीज, वेरियस मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। दोस्तों वैसे तो जनरली क्या होता है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलता है उसका ही लीडर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन दोस्तों अभी तक 3 बार ऐसा भी हुआ है जब लोकसभा से ना जाके राज्यसभा का कोई एमपी प्राइम मिनिस्टर बना हो इंडिया का। और दोस्तों ऐसा पहली बार 1966 में हुआ है जब इंदिरा गांधी उस वक्त राज्यसभा की सांसद थी और वहीं से वो चुनकर आई और फिर प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की। दोस्तों दूसरी बार 1996 में, 1996 में हुआ जब एचडी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तब वो लोकसभा से चुनकर नहीं आए थे, राज्यसभा के सांसद थे। और दोस्तों तीसरी बार तब हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी वो लोकसभा के एमपी नहीं थे, वो राज्यसभा में एमपी थे। और दोस्तों ऐसा 6 बार हुआ है कि मीन्स 6 प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी हुए हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर से बनने से पहले वो किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों उनके मैं नेम आपको बताता हूँ, जैसे मोरारजी देसाई, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों बॉम्बे इसलिए क्योंकि 1952 से 56 में बने थे, तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो वो उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। दोस्तों उसके बाद चरण सिंह भी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वैसे ही वीपी सिंह, वो भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बन चुके थे। दोस्तों उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से भारत के पहले प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो कि साउथ इंडिया से बने हो। और दोस्तों वो प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों उसके बाद एचडी देवेगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, दोस्तों एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने। और नरेंद्र मोदी फाइनली गुजरात के वो चीफ, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे और 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरी बार 2019 में प्राइम मिनिस्टर बने। तो दोस्तों ये वो 6 प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो लोग अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर को लेके, उनके पावर्स को लेके, उनके फंक्शंस को लेके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ताकि उनको पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पता चल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।